अस्सलामुअलैकुम। हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और यमी हर घर में बनने वाली ईद उल फितर पर शीरखुरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, लेकिन थोड़े से अलग टेस्ट के साथ। आपको ज़रूर पसंद आएगा, वीडियो एंड तक देखिए। यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है। अब इसमें हम क्लेरिफाइड बटर यानी घी ऐड करेंगे 150 ग्राम। इसे हल्का सा गर्म होने देंगे। मैंने यहाँ पर लिया है 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम बादाम और 50 ग्राम पिस्ता, 10 ग्राम चिरौंजी। इन सबको मैंने भिगा कर बॉईल कर लिया है और छिलके उतार कर इसके चॉप कर लिया है बारीक। इसे भी ऐड कर हल्का सा फ्राई करके निकालेंगे। फ्लेम लो टू मीडियम रखें, ये जल्दी से, वरना डार्क ब्राउन हो जाएंगे और सारे आपके ड्राई फ्रूट्स ख़राब हो सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 10 ग्राम स्पून किशमिश। इसे लास्ट में ऐड करें, ये जल्दी से फूल कर फ्राई हो जाती है। देखिए कलर अच्छा आ चुका है इन सब का। अब इसे निकाल लेंगे हम। इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हम नहीं ऐड करेंगे शीरखुरमे में। जब भी मेहमान आएंगे हम ऊपर से गार्निश करने के लिए अलग से इसे फ्राई करके रखेंगे। इसमें से हाफ क्वांटिटी ऐड करेंगे हम और बाकी का गार्निश के लिए रखेंगे। देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने निकाल लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे सेवियाँ, ये भुनी हुई सेवियाँ हैं, हाफ कप है ये। इसे भी मैं घी में फ्राई कर हल्का सा कलर आने पर निकाल लेंगे इसे भी। इसे मैं गार्निश करने के लिए फ्राई कर रही हूँ। इसे भी फ्राई कर साइड में रख लेंगे हम ड्राई फ्रूट्स के साथ। जब हम इसे गार्निश करेंगे शीरखुरमे पर, ये भी हल्की सी ऐड करने पर बहुत ही अच्छा लगता है शीरखुरमा दिखने में। अब इसमें मैं सेवियाँ ऐड कर रही हूँ शीरखुरमे के लिए। ये है 2 कप सेवियाँ हैं। इसे भी हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे घी में अच्छी तरह से। अच्छा सा कलर आ जाना चाहिए इसका भी। कंटिन्यू इसे हिलाते रहना चाहिए, वरना ये एक जगह से डार्क और एक जगह से लाइट हो सकती है। देखिए अच्छी तरह से भून चुकी है। अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 3 लीटर दूध फुल फैट मिल्क ऐड कर रही हूँ। इससे शीरखुरमा अच्छा बनता है। अब यहाँ पर शक्कर ऐड करेंगे 200 ग्राम, आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। इसे भी मिला लें। मैं यहाँ पर कैरमल शीरखुरमा बना रही हूँ। इससे शक्कर मैंने 200 ग्राम, क्योंकि कैरमल से भी शीरखुरमा मीठा हो जाएगा। और आगे हम कंडेंस मिल्क भी ऐड करेंगे, इन सब से टेस्टी बनेगा। अब मैं यहाँ पर 200 ग्राम कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। इससे भी टेस्टी बनेगा और शीरखुरमा। आप कोई भी ब्रांड का कंडेंस मिल्क यूज़ कर सकते हैं या फिर घर का बना भी ऐड कर सकते हैं। मेरे चैनल पर कंडेंस मिल्क की रेसिपी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है घर पर कंडेंस मिल्क। इसे साइड पर पकने रखेंगे। अब यहाँ पर मैं कैरेमल बना रही हूँ। एक पैन में हम लो फ्लेम पर शक्कर ऐड करेंगे 100 ग्राम। इसे लो फ्लेम पर हिलाते रहेंगे कंटिन्यू। मीडियम से लो फ्लेम पर ही इसे बनाना है। अगर हाई फ्लेम रखेंगे तो ये जल सकता है और टेस्ट ख़राब हो सकता है इसका। इसे बिल्कुल आराम से लो फ्लेम पर ही हिलाते हुए बनाना है। आहिस्ता आहिस्ता ये शक्कर पिघलने लगेगी और इसका कलर चेंज होगा। देखिए ये शक्कर पिघलने लगी है। देखिए अभी कुछ देर बाद ये बहुत ही अच्छा कैरामल बन चुका है। अभी इसमें दूध ऐड कर रही हूँ मैं 1/2 कप। बिल्कुल एहतियात से आप इसे दूध को मिलाइए। इस तरह से हिलाते हुए इसे लो फ्लेम पर पकाना है। लो फ्लेम पर ही इसे आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहना है। ये जो कैरमल बना है ये दूध में अच्छी तरह से शामिल हो जाएगा और पिघल जाएगा। देखिए ये स्टिकी ऐसा लग रहा है। जैसा जैसा आप इसको हिलाते जाएंगे लो फ्लेम पर, ये मेल्ट हो जाएगा। देखिए कैरमल दूध बन चुका है। इसे हम शीरखुरमे में ऐड करेंगे। देखिए कुछ देर शीरखुरमा पक चुका है। अब इसमें हमने जो कैरमल दूध बनाया है इसमें हिलाते हुए शामिल करेंगे। इससे टेस्ट और कलर बहुत ही अच्छा आ जाएगा शीरखुरमे में। आप एक बार मस्ट ट्राई कीजिएगा इस शीरखुरमे को। अब इसे 10 मिनट्स के लिए पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर, फिर 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे। देखिए अच्छी तरह से बन चुका है ये शीरखुरमा। घी भी ऊपर अच्छी तरह से आ चुका है। अब इसमें हम पिसी हुई इलायची ऐड करेंगे 2 से 3 चुटकी। आप आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं कम या ज़्यादा। इसे भी मिला लेंगे हम। 2 मिनट के लिए पकने देंगे। अब ये रेडी है, इसे डिश आउट करेंगे हम। माशाल्लाह इस कैरमल शीरखुरमे की खुशबू बहुत ही लाजवाब आ रही है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना
और कैसा बना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर बनाया हो तो। अब यहाँ पर जो हमने सेवियाँ को ब्राउन कर लिया था गार्निश के लिए वो ऐड करेंगे और ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ये कैरेमल शीरखुरमा। चलिए मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।